तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे से बढ़िया से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं अपने मोबाइली पे में इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड कैसे करें, क्योंकि मोबाइली का जो नया अपडेट आया है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेनिफिशियरी ऐड करने का। तो अगर आप लोग भी अपना बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए हम अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो हमारा मोबाइल पे एप्लीकेशन अभी ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं, आपके मोबाइल पे में कम से कम 10 रियाल होना चाहिए तो ही आपका बेनिफिशियरी ऐड होगा। आप अगर सोच रहे हैं पहले जैसा सिस्टम कि आपके मोबाइल पे में जो है 1 रियाल होता था और आप जो है बेनिफिशियरी ऐड कर लेते थे, तो पहले जैसा सिस्टम अब नहीं रहा है। आपके मोबाइल पे में कम से कम जो है 10 रियाल होना चाहिए। आपके मोबाइल पे में अगर 0 है और 1 रियाल है तो आप सोच रहे हैं आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाए, तो कभी ऐड नहीं होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ट्रांसफ़र टू अकाउंट। आपको क्या करना है, दूसरे वाले पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो आप पहले से बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, प्लस का आइकन यहाँ पर आपको दिखेगा, ऐड न्यू रिसीवर, इस पर आपको जो है ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पिक कंट्री के ऊपर आपको ओके करना है। यहाँ से आपको अपना कंट्री जो है सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अपना कंट्री सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंडिया पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सेंड टू बैंक पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप जो है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 रियाल आ गया है। यहाँ पर आपको जो है एक्सचेंज रेट देखने को मिल जाएगा, नीचे 1 रियाल का कितना बन रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे 7 रियाल फीस आपको देखने को मिल जाएगा, 1 रियाल और लगता है, 8 रियाल लगता है पूरा टोटल आपका फ़ीस। 1 रियाल यहाँ पर आपको जो है दरीबा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नीचे से नेक्स्ट करने के बाद आज आगे हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर हमको बैंक का डिटेल डालना है। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो है नाम डालेंगे, तो चलिए डाल लेते हैं हम। यहाँ पर हम अपने जो है विलेज का एड्रेस डालेंगे पूरा। उसके बाद नीचे हम अपना रिलेशनशिप डालेंगे, तो यहाँ पर हम अपना फैमिली डाल देते हैं या फ्रेंड डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फैमिली डाल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हम पिक इंटेंट पे यूज़ पे इस पर हम ओके करेंगे। यहाँ से हम अपना फैमिली सपोर्ट ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो चलिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। नंबर डालने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डाल लेते हैं। उसके बाद हम नीचे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, चलिए हम अपना अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको ऐड टू फेवरेट पे नीचे ओके करना है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है कि सक्सेसफुल हो गया है हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट परपोज पे ओके करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस पर हम ओके करेंगे। यहाँ पर फिर से हम जो है फैमिली सपोर्ट पे ओके करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, प्रोसेड पे ओके कर देना है। प्रोसेड पे ओके करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आप लोग देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। तो इसको यहाँ पर हम जो है डालेंगे। डालने के बाद यहाँ से इसको वेरीफाई के लिए ओके करेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो हमारे फ़ोन पे कॉल आएगा, उस कॉल को हम रिसीव करेंगे। तो देख सकते हैं कॉल आ चुका है, यहाँ पर हमें एक दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। आपके पास भी कॉल आएगा तो आपको भी जो एक दबा देना, आपका बेनिफिशियरी जो है ऐड हो जाएगा। लोग देख सकते हैं हमारा बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर पहले मेरा 2 बता रहा था बेनिफिशियरी जो पहले से हम ऐड करके रखे थे, तीसरा ये अभी बीच वाला हम ऐड किए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 100 हो चुका है। तो आप लोग भी जो है यहाँ से अपना बेनिफिशियरी आसानी से ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपके फ़ोन में 10 रियाल थे नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका बेनिफिशियरी ऐड नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।